लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं झारखंड से। ये तस्वीरें आपको बता दें कि राष्ट्रपति का ये काफिला है, तमाम सुरक्षा के इंतजाम इसमें देखे गए हैं। और इसमें आपको बता दें कि राष्ट्रपति जो है ये रांची पहुंच चुके हैं। और आज चूंकि सभी को ये जानकारी है कि झारखंड में जो है हाईकोर्ट भवन का उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड आई हुई हैं, रांची आई हुई हैं। और ये लाइव तस्वीरें रांची से हैं जहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस दौरान पहुँच चुकी है। ये उनके काफिले की तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें। जो सुरक्षा है वो बेहद सख्त दिखाई यहाँ पर दे रही है। ये काफिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने इससे पहले जो है देवघर जाकर भगवान बैद्यनाथ में पूजा अर्चना भी की थी। और ये लाइव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहाँ पर पुख्ता इंतजाम तो किए ही गए हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस दौरान जो है झारखंड में हाईकोर्ट भवन का उद्घाटन चूँकि आज होना है, और उसी को करने के लिए देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं झारखंड आई हुई हैं। और ये रांची वो पहुंच चुकी हैं, रांची की ये तस्वीरें हैं। देवघर से चुके उनको रांची पहुंचना था, रांची की वो तस्वीरें आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर है। तमाम जो कार्यक्रम है वो पहले से ही बना दिए गए हैं, जो उनका स्केड्यूल है वो तय कर दिया गया है। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। राष्ट्रपति का काफिला जो है बिरसा चौक तक पहुँच चुका है, और ये रांची तक आप कह लीजिए पहुँच चुका है। और वहाँ पर ये तस्वीरें आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देखिए अपने गाड़ी से उतरती हैं, और जो उनका स्थान है वहां पर वो स्थान ग्रहण करेंगी। मौके पर उनके साथ के लिए आगे बढ़ रही है मौजूद पूरा जो सुरक्षा है वो चुस्त दुरुस्त यहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा है, जितने भी अधिकारी हैं। और ये माल्यार्पण किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर, नमन कर रही हैं बिरसा मुंडा की प्रति, बिरसा मुंडा को नमन करती हुई नजर आ रही है। सीधी तस्वीर बिरसा चौक की है। साफ तौर पर अपने 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड में है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। माल्यार्पण करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो उस स्थल से बाहर आ चुकी हैं। तमाम जो आला अधिकारी हैं, देखिए अभिवादन यहाँ, क्योंकि यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हुए हैं राष्ट्रपति के दर्शन पाने के लिए। और बिल्कुल देखिए राष्ट्रपति ने अभिवादन स्वीकार किया, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उन्हें एक तरीके से उनका अभिवादन स्वीकार करती राष्ट्रपति नजर आई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वहां पर मौजूद हैं, और साफ तौर पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जा चुका है। बिरसा चौक से ये सीधी तस्वीरें, सुरक्षा के लिहाज से व्यापक तैयारियां की गई हैं। पूरे सड़क को साफ तौर पर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि छावनी में तब्दील कर दिया गया है, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और एक ग्रुप फोटो, क्योंकि राज्यपाल यहाँ पर हैं, राष्ट्रपति यहाँ हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं, तमाम जो लोग हैं वो एक ग्रुप फोटो यहाँ पर खिंचा रहे हैं। और देखिए सीधी तस्वीर राष्ट्रपति किस तरीके से अभिवादन स्वीकार कर रही हैं, यहाँ पर लोगों का, मीडिया कर्मियों का हाथ हिलाकर, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया गया। बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद राष्ट्रपति जो हैं वो अपनी गाड़ी में बैठ चुकी हैं, और इस गाड़ी से वो सीधे अल्बर्ट इक्का चौक की तरफ रवाना होंगी। परमवीर अल्बर्ट इक्का चौक पहुंचकर परमवीर अल्बर्ट इक्का की जो प्रतिमा है वहां पर माल्यार्पण किया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति राजभवन के लिए रवाना हो जाएंगी। तो साफ तौर पर 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति झारखंड पहुंची हैं। सबसे पहले बाबा धाम पहुँचने के बाद वहाँ पर पूजा अर्चना की गई, पूजा अर्चना किए जाने के बाद, और देखिए राष्ट्रपति का जो काफिला है वो यहाँ से अल्बर्ट इक्का चौक के लिए निकल रहा है, अल्बर्ट इक्का चौक के लिए प्रस्थान कर रहा है राष्ट्रपति का काफिला। राष्ट्रपति जिस गाड़ी में बैठी हैं वो साफ तौर पर हम तस्वीर लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था है। राष्ट्रपति बिरसा चौक पहुंची, बिरसा चौक में माल्यार्पण किया, श्रद्धा सुमन अर्पित की, और उसके बाद राष्ट्रपति जो है वो अल्बर्ट इक्का चौक के लिए रवाना हो चुकी हैं। साफ तौर पर व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री का भी काफिला राष्ट्रपति के साथ साथ आगे जाता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री सबसे पहले यहां पर पहुंचे, राष्ट्रपति जैसे यहां पर पहुंचे तो मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया, उसके बाद बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर राष्ट्रपति पहुंचकर पुष्प अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित किया बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पहुंचकर। और फिर हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं काफिले की वो तस्वीर, जब राष्ट्रपति यहाँ पर पहुँची हैं, राष्ट्रपति ने यहाँ पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर
पुष्प अर्जित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और राष्ट्रपति यहां से अल्बर्ट टिक्का चौक के लिए रवाना हो गई हैं। दरअसल 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड पहुंची हैं। सबसे पहले देवघर स्थित बाबा धाम में उन्होंने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद जो राष्ट्रपति हैं वो एयरपोर्ट पहुँचती हैं। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद बिरसा मुंडा की प्रतिमा जो है बिरसा चौक स्थित वहाँ पर पहुँचकर श्रद्धा सुमन अर्पित की जाती है, भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया जाता है और इसके बाद अब यहाँ से उनका जो काफिला है राष्ट्रपति जो हैं वो गवर्नर और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ अल्बर्ट टिक्का चौक के लिए रवाना हो चुकी है। और साफ तौर पर जितने भी काफिला है, मुख्यमंत्री का काफिला है, राष्ट्रपति का काफिला है, राज्यपाल का काफिला है, तमाम जो काफिले हैं वो अब यहाँ से सीधे तौर पर अल्बर्ट टिक्का चौक के लिए रवाना हो रहे हैं। अल्बर्ट टिक्का चौक पहुँचने के बाद वहाँ पर परमवीर अल्बर्ट टिक्का की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा और माल्यार्पण करने के पश्चात फिर राष्ट्रपति राजभवन चली जाएंगी और तकरीबन 4 बजे राष्ट्रपति जो है वो यहाँ से झारखंड